الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل میں پڑھے گئے चौथे पारे का खुलासा पेश खिदमत है। तो पहले एडजस्ट कर लिया करो यार, पहले एडजस्ट कर लिया करो, एक जगह ऐसे एडजस्ट रहना, आगे पीछे जो है। हज़रात गिरामी, क़याम उल्लैल में पढ़े गए चौथे पारे के मतालिब का खुलासा पेश खिदमत है। पारे की इब्तिदा में ये फरमाया गया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम बिर को हरगिज नहीं पा सकते जब तक के तुम अपना माल महबूब अल्लाह की राह में खर्च न करो। बिर किसे कहते हैं? बिर कहते हैं अल्लाह ताला के हुकूक की कामिल अदायगी। अब मतलब क्या हुआ कि कोई शख्स अल्लाह ताला के हुकूक की कामिल अदायगी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक के वो अपना पसंदीदा माल अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च ना करे। इसी लफ्ज़े बिर से अरबी में एक लफ्ज आता है बार। बार कहते हैं उस लड़के को जो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हो, यानी अपने वालिदैन के हुकूक की कामिल अदायगी करता हो। और इसी मादे से एक सिफत अल्लाह की है बर। अल्लाह की एक सिफत है बर, वो बर है, यानी जो शख्स अल्लाह के हुकूक की कामिल अदायगी करता है अल्लाह उसको कामिल बदला अता फरमाएगा, इस वजह से वो बर रहा। और कामिल बदला क्या है? जन्नत। लिहाजा यहां बिर का तर्जमा यानी उसका लाजिमी माना जन्नत भी लिया जा सकता है, यानी अब यूं तर्जमा हो सकता है लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम जन्नत को हरगिज नहीं पा सकते जब तक के तुम अपना माल महबूब पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च न करो। दरहकीकत यहां यहूदियों के ऊपर चोट की गई है, तारीज की गई है। यहूदियों के यहां भी दीनदारी थी लेकिन वो दीनदारी रस्मी थी,
और जहां रस्मी दीनदारी होती है वहां नेकी के थोड़े बहुत काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन जहां रस्मी दीनदारी होगी वहां अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च करने का जज्बा मफकूद होगा। रस्मी दीनदार कहां अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च करता है? वो लोग जो हकीकी दीनदार होते हैं, वो लोग जिनके पास हकीकी दीनदारी होती है, वो लोग अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च करते हैं। गोया इन्फाके माले महबूब फी सबीलिल्लाह को एक मेयार और कसौटी बना दिया गया। रस्मी दीनदारी और हकीकी दीनदारी को परखने के लिए कि अगर किसी को यह देखो कि वो अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च कर रहा है तो हकीकी दीनदार है, और जो शख्स अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा वो रस्मी दीनदार है। चूंकि यहूद बड़े बखील वाके हुए थे, एक ढेला जेब से निकाल करके अल्लाह की राह में देना उनके लिए पहाड़ गुजरता था। अल्लाह तबारक व तआला ने यह मेयार कायम करके उनकी रस्मी दीनदारी का भांडा चौराहे के ऊपर खोल दिया, फोड़ दिया, और ये हकीकत बेनकाब होकर के सामने आ गई कि इनकी दीनदारी महज रस्मी दीनदारी है, हकीकी दीनदारी इनके अंदर नहीं है। लिहाजा अगर हकीकी दीनदार बनना है तो अल्लाह की राह में अपना महबूब माल खर्च करो। बुखारी और मुस्नद अहमद में एक रिवायत इस तरह आई है कि जब यह आयत करीमा उतरी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो हजरत अबू तलहा अंसारी भागे भागे आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा एक बाग है जिसका नाम बीरोहा है, मैं उस बाग को बहुत महबूब रखता हूं, पूरा बाग अल्लाह की राह में देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप बड़े मुताज्जिब हुए, आप बड़े हैरान हुए, और आपकी जबान मुबारक से निकला मालुन राबह, अरे ये तो बड़ा नफा बख्श माल है, बड़ा नफा बख्श माल है। जबान वही तर्जमान से यह जुमला निकलना मालुन राबह, अरे ये तो बड़ा नफा बख्श माल है, इसका मतलब उस बाग की कीमत उस वक्त भी बहुत ही ज्यादा रही होगी। कहा कि अल्लाह के रसूल, अब मैंने तो उसे अल्लाह की राह में दे दिया है, उसका सही मसरफ क्या हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे जो अइज्जा और अकरबा गरीब हैं उन्हें यह बाग दे दो। लिहाजा उन्होंने अपने करीबी लोगों में और अपने आमजादों में, चचाजाद भाइयों में उसको तकसीम कर दिया। उसके बाद यहूदियों के दो सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, उनके दो शुबहात का रद्द किया जा रहा है। कुल्लु तआम कान हिल्ल लिबनी इसराइल, और उसके बाद इन अव्वल बैत उज़िया लिन्नास लल्ज़ी बिबक्कत मुबारकुम व हुदा लिलआलमीन फीह आयातुम बय्यिनतुम मकाम इब्राहिम व मन दखलहु काना आमिना व लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के दो सवालों के जवाब दिए हैं। पहला सवाल, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को नबी कहता है और ये कहता है कि मैं दीन इब्राहिमी का पैरू हूं, दीन इब्राहिमी का मुत्तबे हूं, इसकी बात तो झूठी है, इसलिए कि दीन इब्राहिमी के अंदर ऊंट का गोश्त खाना हराम था, ये तो ऊंट का गोश्त खाना जायज बताता है। फिर ये मिल्लत इब्राहिम का मुत्तबे कैसे हुआ? इसका मतलब ये झूठा नबी है। अल्लाह तबारक तआला ने उसका जवाब इरशाद फरमाया, कुल्लु तआम कान हिल्ल लिबनी इसराइल, कि हर खाना बनी इसराइल के लिए हलाल था। यहूदियों का यह कहना
कि दीन इब्राहिमी के अंदर ऊंट का गोश्त हराम था, यह इफ्तिरा अल्लाह है, अल्लाह पर झूठ बांधना है।